100% एक्यूरेसी से हमारे जो लैपटॉप है इसको कूल रखती है या फिर जस्ट हमें हवा मारने के लिए ही है। गर्मियों में लैपटॉप कोई ज़्यादा हीट अप हो जाते हैं जिसकी वजह से कूलिंग पैड लाइक इस तरह से टेबल लैपटॉप की तरह कूलिंग पैड आते हैं। तो आजकल कुछ न्यू एक टेक्नोलॉजी टाइप की एक न्यू कूलिंग पैड टाइप है लाइक वैक्यूम टाइप आया हुआ है। तो मैंने दराज से काफ़ी वक्त से देख रहा हूँ लोगों को उसे खरीद रहे हैं और काफ़ी में भी जा रहा था। मैंने भी ऑर्डर कर दिया। कितने का ऑर्डर किया पहले हम लोग अपना पैकेज ओपन कर लेते हैं देन हम लोग देखते हैं कहाँ से। तो बिल्कुल दराज से आया हुआ है लेकिन इसका पैकेज जो है बिल्कुल वाइट है। तो दराज का ये कुछ नंबर वगैरह सब कुछ आया हुआ है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं तो इसको सीधा ही ओपन करते हैं। तो इसको ओपन कर देते हैं। तो यार बाय द वे मैंने कैमरा ऊपर सेटअप किया है, अब मुझे पता नहीं है कि कैसी फुटेज देगा। तो जो भी है एडजस्ट करेंगे, होप सो किसके नीचे ही आ रहा होगा ये। तो इस तरह से कुछ यार पैकिंग हुआ हुआ है, मतलब कि इन्होंने मे फेयर के जो सस्ता वाला पैकिंग है वो इन्होंने की हुई है, लेकिन दिखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि पैकिंग इन्होंने काफ़ी अच्छी उसमें की है। तो इसको ओपन करते हैं। तो ये कुछ भाई चाइना का प्रोडक्ट है, ठीक है। बॉक्स के ऊपर ही अगर आप देखें तो चाइना का सब कुछ लिखा हुआ है, लाइक समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है। बस दी आइस टी एम आइस ट्रोल लिखा हुआ दिख रहा है और ज़्यादा कुछ भी नहीं लिख रहा। फिलहाल फ्रंट बॉक्स पे जो है वो यहाँ पर ओनली यहाँ पर जो हमारा वैक्यूम हीट अप खींचता है वो है गेम नेटबुक कूल इक्विपमेंट है। गेमिंग तो नहीं, मैं अपने वर्क के लिए मंगवाया था मैंने, तो लैपटॉप बड़ा हीट अप हो जाता है जिसकी वजह से मंगवाया है। उसके अलावा यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस हैं, कुछ समझ में तो आ नहीं रही क्योंकि यहाँ पे चाइनीज़ और यहाँ पे इंग्लिश दी गई है। तो यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं, प्रोडक्ट डायमीटर है, फैन साइज़ है जो कि 75x75 मल्टीप्लाई बाई 25 मिलीमीटर, वोल्ट है, करंट है, करंट जो है 5 वोल्ट है और जो पावर है वो 2 वाट होगी क्योंकि W वाट को रिप्रेजेंट करता है। नथिंग एल्स, साइड पर भी चाइनीज़ एंड इस साइड पर भी चाइनीज़, तो मतलब टोटली चाइनीज़ प्रोडक्ट है भाई। तो इसको अब ओपन करते हैं, लेट्स सी। मैं तकरीबन एक माह से ये वाली प्रोडक्ट जो है वो देख रहा था इंटरनेट पे, तो दराज पे स्पेशली। तो वो जो पहले मैं ऑर्डर करने लगा था तो वो ओवरसीज़ में आ रही थी और बाद में अब ये जो प्रोडक्ट है ये सिंपली पाकिस्तान से डिलीवर होने लगी, मतलब कि वो जो इन्वेंट्री होती है वो पाकिस्तान ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यहाँ पर कुछ इनका यूज़र मैनुअल आ रहा है जो कि कख समझ नहीं आ रही क्या लिखा हुआ, सब कुछ चाइनीज़ में है। तो उसके अलावा यहाँ पे वैक्यूम के लिए उन्होंने ट्यूब्स दी गई हैं, 1, 2 and 3 ट्यूब्स। तो खैर इसको ऑन करते हैं फिर हम लोग देखते हैं, लैपटॉप भी मैं लगाता हूँ और फिर देखते हैं कैसे हीट सिंक करता है और बाद में इसकी एक जो है वो मैं शॉर्ट वीडियो बना के भी बता दूंगा कि आया ये इतनी कूलिंग करती भी है या जस्ट एक ड्रामा ही है। तो एक्सेसरीज में आ रहा है भाई, इसका अगर वेट की बात करें काफ़ी अच्छा वेट है और देख के लग भी रहा है कि यहाँ से सिंक करके बाहर की तरफ कूलिंग निकालेगा। उसके अलावा फ्रंट पे अगर बात करें तो कूल कोल्ड लिखा हुआ है और चाइनीज़ में कुछ लिखा हुआ है, कुछ भी पता नहीं समझ में आ रहा क्या लिखा है। प्लास्टिक की बात करें काफ़ी हार्ड प्लास्टिक है और ख़राब होने वाला नहीं है। तो उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने एक USB टू मोटी वाली जो पिन है 5 वोल्ट की वो इन्होंने कन्वर्टर दिया गया है, कन्वर्टर बोल रहा हूँ चार्जिंग के लिए इन्हें दिया है जो कि हम यहाँ पर लगाएंगे, दूसरी हमारी लैपटॉप में लगेगी और ये ऑन हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर हीट सिंक है हमारा, तो ये आई थिंक सो यहाँ पर नीचे लगने वाला है, तो यहाँ पर नीचे लगेगा ताकि लैपटॉप के अंडर आ जाए और यहाँ से आप लैपटॉप के साथ चिपका भी सकते हो आई थिंक सो। तो इसको हम ओपन करते हैं, देखते हैं क्या चिपका भी सकते हैं। चिपका सकते हैं लेकिन चिपकाना है नहीं हमने। तो साथ में इन्होंने ये कुछ आई थिंक सो एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो इसको भी हम कहीं ना कहीं फिक्स करते हैं। यहाँ पे आप अपने लैपटॉप में लाइक इसको यहाँ पर फिक्स करते हो, रबर है तो आप इसको इस तरह से फिक्स करोगे, फिक्स करने के बाद डायरेक्टली आप लैपटॉप में लगा लोगे। तो रबर की उससे पहले बात कर लें, यार रबर काफ़ी अच्छी क्वालिटी की लग रही है, इतनी जल्दी ख़राब होने वाले में से नहीं लग रही। तो खैर मैं भी ये फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ और एक्सपीरियंस तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मतलब कि काफ़ी वक्त निकालेगा, क्योंकि यार कुछ प्रोडक्ट चाइनीज़ की होती हैं वो बिल्कुल फारग होती हैं और कुछ जो होती हैं वो काफ़ी अच्छी होती हैं। तो ये मुझे ज़रा अच्छे वाले प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट लग रहा है। तो अब इनमें से कोई भी हम एक यहाँ पर अटैच कर सकते हैं ईजीली, जो भी आप अटैच करना चाहो। तो ये हमारा लैपटॉप और अब देखते हैं कि ये कितना हीट सिंक करेगा। तो सबसे पहले तो हम इसे यहाँ से जोड़ देते हैं ताकि इसको पावर दे, ये आ गया। और यहाँ पर हम USB को
टच करते हैं तो देखते हैं कि ये कैसे। तो यहाँ से ये ऑन हो चुका है और यहाँ से कूलिंग है। अगर इसको आप यहाँ से बंद करेंगे तो बंद हो जाएगा, यहाँ से ऑन करेंगे रेड बटन हल्का हल्का चलना शुरू हो जाएगा। इसको यहाँ से आप ऐसे बढ़ाते चलोगे ना तो उतना तेज़ होगा। तो ये अगर आप साउंड की आवाज़ सुने, यहाँ से खींचता है और यहाँ से निकालता है, तो मतलब कि काफ़ी अच्छी ये कूलिंग करने वाला है लैपटॉप की। और यहाँ पर अगर मैं हाथ अपना लगाऊं तो मतलब काफ़ी कूलिंग हो रही है यार, ये खींच रहा अपनी तरफ, सिंक कर रहा है और ये काफ़ी अच्छा है। मुझे लग रहा है कि यार प्रोडक्ट में जान है, दम है। तो लेट्स ट्राई दिस ऑन और लैपटॉप। तो ये हमारा लैपटॉप इधर हमने सेट कर लिया और इसको हम सिंपल यहाँ पर ऐसे करेंगे। तो ये हमने इसको यहाँ पर इसके साथ फिक्स कर लिया और इसको सिंपल हम यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये इसको हम कम ज़्यादा यहाँ से कूलिंग को कर सकते हैं ताकि हमारा जो लैपटॉप है हीट सिंक करता रहे। असल में जब आप गेमिंग करते हो लैपटॉप पे या फिर आप लाइक एडिटर यूज़ करते हो, हैवी रेंडरिंग वगैरह आपको करनी होती है, तब उसके लिए फिर ये आपको प्रोडक्ट चाहिए होता है। बिकॉज ऑफ दैट के आपका जो लैपटॉप बेचारा है काफ़ी हीटअप हो जाता है और जिसकी वजह से आप नहीं चाहते कि आपका लैपटॉप स्लो हो, तो उसके लिए बेहतरीन चीज़ है। और मुझे लगा नहीं था कि कम प्राइस टैग में ये इतना काम करेगा। और अगर आप आवाज़ सुन सकते हैं, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं इसे कि आपको कम चाहिए या फिर आपको ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा चाहिए तो आप और ज़्यादा कर लें, अगर कम चाहिए तो यहाँ से आप सिंपल कम कर सकते हैं। तो कमाल की प्रोडक्ट है यार, मुझे तो काफ़ी अच्छी लग रही है। हतमी रिज़ल्ट जो है मैं आपको बताऊँगा आगे, मतलब कि इसका जो शॉर्ट वीडियो वो ज़रूर आपको बताऊँगा कि कैसी है, क्योंकि मैं जब रेंडरिंग पर लगाऊँगा ये वीडियो तब पता चलेगा कि वाकई ही क्या ये जो प्रोडक्ट है ये 100% एक्यूरेसी से हमारे जो लैपटॉप है इसको कूल रखती है या फिर जस्ट हमें हवा मारने के लिए ही है। तो अब बात करते हैं प्राइस टैग की। तो विद डिलीवरी आपको प्राइस टैग में पड़ती है 2300 रुपीज़ की, मतलब ऊपर नीचे हो सकता है विद डिलीवरी, ठीक है, डिपेंड करता है आपका एरिया या फिर आपकी सिटी के किस एरिया और किस सिटी से आप बिलोंग करते हो, उस एरिया और सिटी से फिर आपका जो डिलीवरी है वो चार्ज होती है। तो ओवरऑल प्रोडक्ट काफ़ी अच्छी है और 2300 मुझे जो मैंने पे किया है इसका, तो मुझे लग रहा है कि यार वाकई ही मैंने जो पे किया है सही पे किया है। तो होप सो आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और इसके बारे में पता भी चल गया हो कि व्हाट इज़ दिस यार, बेसिकली चाइना प्रोडक्ट और कमाल चीज़ है। वो पैड्स होते हैं दूसरे वाले, वो भी अच्छे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है वो नीचे से आपको जब कूलिंग पैड आप रखते हो नीचे से आपको हीटअप जो आपकी कूलिंग पैड वो देते हैं ना, वो पूरे लैपटॉप को ठंडा नहीं कर पाता है। लेकिन ये चीज़ मुझे कुछ ऐसी लगी जैसे आपके वैक्यूम टाइप का इस तरह से आपने दिया और आपका जो पूरा लैपटॉप अंदर से हीटअप है ना वो सारा कुछ हीट पकड़ के आपको यहाँ से बाहर निकाल देता है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है गर्मियों के लिए, तो बेस्ट प्रोडक्ट मुझे लगा है। बाकी अभी यूज़ करेंगे तो पता चलेगा कि कितने 20 का सो होता है। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।